देखिए सोहर चैनल पर नालंदा की धनिया, एक चमत्कारी बच्ची की कहानी। पढ़े लिखे जाएब हम बक दिना चराएब हम ओए हे मास्टर ले जेताए बिसडी अरे बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या है पुनी पानी में घूमत रहा वो असही घूमत रही बाबा। अच्छा आओ बैठो। काम धाम होइए ने के तो घूमत नहीं तो का हाल बाबा। हां सब ठीक है बा। ये स्कूल में तू खाना बनावत रहन हो? अरे खाना का बनावत नहीं, ओ स्कूल में गई नहीं, दाल भात तरकारी बनैनी चलै नहीं। हां पहले रखे तो थोड़े बा, मैडम जी रहत रही तो ढंग से खाना बनत रहे, बढ़िया बढ़िया खाना बनत रहे, हमरो बनावे मन लगत रहे, लेकिन के खाए में भी मन लगत रहे। अब वहाँ कहिए नहीं कि पढ़ाइयो लिखाई बंद बा, खाना पीना भी ओसो नहीं होत। का कहीं चल गई बड़ी का मैडम जी? पते नहीं चलत, कई दिन से मैडम जी आवत नहीं की, ना स्कूल में पढ़ाई होता, ना ढंग से खाना बनता, लेकिन खाली हल्ला किले बढ़ सन। हालांकि मैडम जी कहला से स्कूल में बड़ा परिवर्तन है हो। तनी मनी ना बाबा, बहुत परिवर्तन है। अरे लेकिन में तो संस्कार आ गया, यहाँ गांव भी बदल बदल, जब से स्कूल मिल बड़ी तब से स्कूल स्कूल लगता, अब लगता कि हाँ विद्या के मंदिर हाउ। ना तो स्कूल के हालत देखले रही कैसन रहे नो? हाँ वह तो कहीं कि मैडम रही तो सब लड़का बहुत नहा धोवा के एकदम नो काट कर स्कूल जात रह सर। लड़कन पढ़त रह सर, पहले खाली खेल में इन उन्हें बाजल रहते रहन सर। अब पढ़े पढ़े आते रहन सर समय से, समय पर खाना मिल जाता, रोज बदल बदल के ढंग के खाना मिलता। अब तो किताब मिलता और ड्रेस का पैसा मिलता। गांव के लोग भी मैडम से प्रभावित बढ़े, बदलाव बदलाव से लागत करे, लड़कन के पढ़े खातिर अब विदा कर करे, लड़कन अब तो पढ़े में बहुत अच्छा से मन लगा होता हूँ। लेकिन ये कहाँ चल गई हो मैडम जी? कहाँ बारी कौन हाथ से बारी कोई पता नहीं चलता। कहाँ गोली आखिर पता करेगा पड़ता है पूछला ही कोई भाई फोन ना किला फोन लागते नहीं था मैडम जी, पता ना घरों पता कहीं नहीं पड़ी, कुछ पता नहीं था। पता नहीं खे चलो तो पता करे को नहीं पड़े कि कहाँ आखिर गई तहार तो मालूम है तू वही स्कूल में बाड़ा मरते। हमारा तो शक ना पूरा यकीन बा, अरे एक आदमी के हाथ बा। अरे मैडम जी कहीं गई नहीं थी ना, उनका तबीयत खराब बा क्या? मैडम जी से गांव के लोग के परेशानी नहीं है, गांव के लोग तो मैडम जी से प्रभावित बढ़े, लेकिन एक ही आदमी बा जो मैडम जी से प्रभावित नहीं है, वो ही प्रधान जी। प्रधान जी? हाँ आखिर में प्रधान जी से आ मैडम से का मतलब बा? पर उनका पढ़ावे बा प्रधान जी के दूसर काम बा, प्रधान जी के का मतलब बा मैडम से? प्रधान के तो मैडम जी से लेना देना बा। जब से मैडम जी आई बड़ी स्कूल में सब तरह से सिचुएशन के बदल दिली। बताऊ प्रधान जी के अच्छे न रहे कि उनका गांव के विकास होता, लड़का पढ़त रह सर लिखत रह सर, तो ये में वो कहे कि सब काम यही तो प्रधान जी के खटके लागल, वही से मिले खातिर मैडम जी से एक दिन स्कूल में आई रह। अच्छा पूरा बातें बात में पूरा बकझक बन बा, कुछ दिन के बाद मैडम जी न पता बाड़ी बुझा गई मामला, अपन गुंडा के भेज के मैडम जी के आउट टंगवावे के कोशिश कैले रहे। खुदा ना खास्ता हम जब पहुँच के मैडम जी के बचा ले। तो जब तू कहत रह भाई कि प्रधान जी के काम हो, त
तो समझ लो कि प्रधान जी एकदम गलत करत रहन ऐसे कि मैडम जी हमनी के गांव के विकास में लगे रही सब लइकन के पढ़ावत लिखावत ढंग से रही और तो अगवा कर लो बहुत गंदा काम बा भैया कहनी हाँ हमनी के पूरा समाज के एकजुट होके प्रधान जी के खिलाफ हमनी के मोर्चा खोल जाए एकदम खोले के पड़ी वालों से हमारे विनती बा कि सब गांव वालों के बता के आप प्रधान के खिलाफ खड़ा करें ना ये रोबर ठीक कहते नहीं हाथ में जोड़े के लिखे लेकिन बात करूँगा एकदम सही कहते नहीं ये गांव के समस्या बा आ गांव के सब आदमी के लगी कहीं के पड़ी आ ना लग बनू तो फिर उसके हुई जिसे प्रधान करत रहे तो हमने के बाल बच्चे जब ना पढ़िए आज हमार लड़का के भइल कल लड़का के भइल कल नाती के होइ कल तो नाती के होइ तो आउ विकास एकदम मैंने खत्म साफ हो जाए सातल में चल जाए आ गाँव जब बदली ना नाना तो एक मुताबिक चले के पड़ी ये बात के सब कोई के आदमी से जनावे के पड़ी कहे के पड़ी हाँ पर लू क्यों बात देखा तू रो मत हम कुछ ना कुछ उपाय कर तनी रवा चले ना मर कतना दिन सब नहीं खन दिखाई दे तो घर में सब कोई परेशान हम कर बिना मर घर हम बर्बाद हो जाई रवा चले ना ठीक बात तू चला हम आओ थे ठीक बाय रवा बिया मेहरारू भाई हम देखू बने हम तू घर में रखने रखा अपने के बेकूप का ना हो बेकूप नहीं किस एक पैसा पढ़ल बड़े पढ़ाई से तो कोनो भेटे नहीं खाए तकले का बढ़िया तू सोच बे या का खराब समझ बे हे भगवान अभी हम सबने के उठा लो ना हम ना हम नारी सब हम देख अब एकर करम कुकरम बुझात नहीं है सीधापन तम जिलेबी ऐसा तम सोच बड़ी अरे ना हम लोग गुन्ना गुन्ना के मत तक हम कह दे जा रहे अब तक कुछ लिखा था बुझाई नहीं अब घर ही नदी का बता हां तू ही पिटा ना हमरा के छू के देखो सब तरह के बता तू बताइबे हमरा के गुन्ना के मत तक कह दे तनी ना मनबे ना मनब ना खलेब दुखार अन उठाई लू तो दुखार दे तो जान जी है बता संतरे से संसद तू घर दे मिजाज मत गरम कर अरे लोग आई ना है अपन कहे बात तोहरे से काहे कही आज हम चोरी पकड़ ले ले भाई गजब मेहरारू दिया भाई चाचा चाचा चाचा
चाचा और मरद के बचा ले चाचा। ऊपर दाना और मरद के खिनाप करके रख ले चाचा। मरद के और मार दी चाचा और बचा ले मरद के चाचा। तार मरद तो प्रधाने के साथ में रहत रहे ना। पहले रात रन चाचा, लेकिन अब उनका से झगड़ा गलो प्रधान जी से मर मरद का बचा ले चाचा। चाची चाचा और मरद का बचा ले चाचा। भैया चाचा ने आपसे विनती बटे के और मरद के जाके छुड़ा दी ना, तो प्रधान और मरद का मार दी चाचा। चाची चाचा बोले नहीं चाचा के केवल मरद के बचा ले जाके। चाचा बोले अनार भइले आई। बड़ा ठंडा मौसम कइले बा। मौसम बनाइले बा। पूरा ठंडा मौसम कइले बा सरका। लागत आ बरख। ए ए कहाँ कहाँ, अरे किने आवतार लोग, अरे वो नहीं रह रह। बात सुना पहले, कहाँ कहाँ मत बोला। प्रधान जी, हर मरद अभी तक ले घरे नहीं खाना है। ये के चलते हम इतना लोग के ले गए बिन रुवा ना भजनी तमर मरद के। अब तो पता लगावा तेरी नो। चलो जी जान एक को दिले बनी हम मरद। ए भौजी, आई गांव को हुजूम जुटा के आए झूठे मुठे के ऐसी करत रहो। तू चुप रह, तोरा सम बात लिखी करत। देखी प्रधान जी, बहू हमार कितना दिन से घरे नहीं खाई। बहू एक दिन कहत रहे कि प्रधान जी से बकझक भइल बा। ई ठीक काम नहीं है प्रधान जी। अरे तो रहुआ हाँ ही के रहुआ के तो गांव में नहीं जा देखले। ए ये ही रहुआ हम मास्टर मी जी के ससुर हैं। प्रणाम 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 प्रणाम। ओहो भाग की रहुआ हमारा दरवाजा पाएं लड़ बहु बहुत हम कृतिमान बारी। यही से रहुआ ओकरा के गायब कर दें। मैटर तो हम कुछ नहीं जानत कि कब कहाँ कैसे कहा। ना प्रधान जी गलत कहते रहुआ। तुम्हें तो ना प्रधान जी स्कूल में आई रही। गई रही उनका स्कूल में कि बड़ी नाम सुनने वाली मास्टरनी जी के। अरे शिक्षा के देवी बड़ी लड़कन के बहुत अच्छा शिक्षा देता। ये बात हनु ये सुन के प्रधान स्कूल में गई। गांव के हम प्रधान हैं और स्कूल के जिम्मेवारी हमारा मंडर बा। का बना था का बिगड़ा था ये देखकर हमारा फौज आई सुन के हम गई। तो मैडम जी साथ बगझक काहे के भई। अरे मुझे तो बड़ा बढ़िया से बात हुई तो मैडम जी कही खातिर भाव करे के मौका दी। हम कहनी कि ठीक बा मास्टर जी खातिर भाव मैडम जी से बोलत रही कि मैडम जी हमारा मुताबिक चली ना तो ठीक ना होई। मैडम जी के पूरा धमकी दिया रहे कि तू हमारा मुताबिक ना चल बुनू तो अंजाम में तो बुरा होई। कोई चुप हो जी तरह के कोई देखो कितना झूठ बोलता। तू चुप रह। यहाँ तक कि पूरा मैडम जी के मारे खातिर भी धमकी दिया गया है। हे बंसी धरतीय पर रह आसमान में। अब प्रधान जी आसमान में नहीं उड़त जो सच बानू वही सच बकीला। तारा अंदर जितना जहर घोलल बने तू बोल सकता रहा भाई। तू लोग बोल सकता रहा ऐसे कि गांव में कुछ होता होगा सही में जिम्मेदार हम बानी। ऐसे कि गांव के देख रेख हमारे फौज बना था तो हम पता लगा सी मैडम का हमको ले आए। हमारे बहुत सरकारी स्कूल के मास्टर ही है। सरकार से कोनो ओकरा लेना देना नहीं खे कोनो झगड़ा नहीं खे लेकिन रहुआ ओकरा में दखल देत रही। जौन चीज लोग खात रही कौन चीज अब खाए के नहीं खे मिलत वो रोक लगावत रहे जौना के चलते रहुआ ऐसा काम पीले बनी। ये काम ठीक नहीं खे प्रधान जी ठीक नहीं खे। दर दुख हम समझ सकते हैं दुख की लोग का भीतर और जेकर बहु ना पता हो जाए जो ना कि पता ना लगे कि कहाँ बिया कैसे बिया कौन हाल में बिया तो घर के दर्जियन के दिल पर का। अरे कसो हो नो कौन हाल में हो हम खोज के ले आए हम गांव में ले आए गांव में ले आए। अगर हमार बहुत सही सलामत ना घरे आई
तो बुझ जाइ एक परिणाम बहुत गलत हुई। देखी बाबा रवा बुजुर्ग आदमी बनी एक तो पैर कब्र में आइए को केला के छिलका को छटक जाई गोर तक गिर जाए कब्र में होश में रही का बोला तनी कहाँ बोला तनी ध्यान रख। प्रधान जी मैडम जी के अगर उठैले ओखम इज्जत से छोड़ दी वरना एकर परिणाम अच्छा ना होई। हाँ हाँ छोड़ दी छोड़ दी। अरे चढ़ा दे हमारा के फांसी पर मगर हम कहले हो कि तेरे सोच सोच के माथा में टेंशन हो गई नींद नहीं खेला करता रात भर हमारा ये सब बात पर प्रधान है कैलाश प्रधान हो गया। अरे कहाँ कैलाश प्रधान पूछा नहीं कहले तेरे जब हम काम नहीं कहले होकर तो हमारा माथा पकाया भाई तू गलती नहीं कर सका ए भौजाई पहले भी कहले रही आज भी कहत नहीं कि औरत हो औरत के हद में रह औरत है तो बस शांत बनी अलग तो हिंकरा नहीं लोग रहती ना तो तारा को छोड़ती ना हम बार बार हमको रोज सब सोची तो हम गांव के ही प्रधान हैं ये गांव के हमेशा विकास के बारे में सोचने बनी विनाश ना तू आज तक ले विकास का नहीं ले बड़ा विनाश छोड़ के शर्म नहीं किया होता रहा। अरे हमने तक गलती कर लिया तारा प्रधान चुन के ए भौजी तब रुबा दिमाग में भूसा भरल बा फिर मर बेटा इधर कैसे पहुंचल तारा पास। अरे का सबूत बा कि देखले बा गांव ला एक और आदमी के बता दी कि जे की कह देवे कि हां बजरंगिया के उठा के उठावत हम देखले बानी काहे हमर बेटा झूठ बोले कानून कचहरियो जे कोर्ट के कोर्टो जे तो ओजा सबूत मांगे तब सजा होई तब दोषी करार होई। अरे वो सब ऐसा ही हवा में मार तीर मारता नहीं कोर्ट कचहरी के हमरा कानून मत पढ़ाई रउवा के बात बटे रउवा सब पूछता नहीं। रउवा सब जनता जनार्दन बनी हम रउवा सब के सेवक हैं बहुत बड़का सेवक है रउवा वाह प्रधान जी बड़ी गलती करते ही रउवा मैडम जी बहुत ईमानदार है हुनकरा के सब अपन साम्राज्य में गलत काम में मत फसाई। हमार बेटा के तू उठो और मरद को उठो ला और ना तो मस्टरनी जी के कितना गंदा था सोच बा भरपूर कोशिश करत रही मरद के खोजे खाती बहुत दिन हम कहां कहां फोन लगा देली जब से रहुआ जैसे गोल बनी तब से हिजा फोन हो जा फोन ई एक महीना के रिचार्ज भए कि तीन दिन में खत्म जबकि फ्री बा सरकार जाई हो जाई रोस से निकल जाई जा हम कहीं से कहीं खोज के हम लेइबे कर बंसी जा बाबा के जा जा चले बाबा चले जा भौजाई भौजाई दोबारा रुकी ना ना वो सब जाई भौजाई तुम इतनी बात कर भोला आदमी बाबा खुश रहो भोला आदमी अजी आप खुश रहो बाबा खुश रहो का बात कहो ये रात में बाबा सुननी हा का बोलो सुननी हा कि मास्टर जी भाग गई हो